सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम टू फर्नीचर है दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको दिखाएंगे 6x4 का दीवान कैसे बनाएंगे, हम फोल्डिंग बनाएंगे बगैर किलों से और बगैर उससे कैसे इजी तरीके से फिट हो जाएगा हमारा। दोस्तों हमें इसमें सामान क्या क्या चाहिए होगा आपको सामान बताता हूँ। हमें एक तो 8x4 का बोर्ड चाहिए जैसे चारों तरफ बॉर्डर लग गया, और एक हमें 6x4 की प्लाई चाहिए 15mm की, और 6x4 की प्लाई चाहिए 9mm की, और हमें 7 इसमें सपोर्टर चाहिए 1.5 की, और एक हमें माइके की शीट चाहिए इसके अंदर, 8 हमें नट बोल्ट चाहिए 4 इंची के, और हमें जो सा गोला लगेगा 25 फुट हाफ राउंड का गोला लगेगा, 25 फुट हमारा मार्चर लगेगा जो सा नीचे की तरफ हम बोर्ड को सील्ड करते हैं। और दोस्तों इसके अंदर जो सी कीले लगेगी 2.5 इंची और 14 नंबर की लगेगी, वो अपने 250 ग्राम के करीब लगेगी, और इसमें एक कब्जा लगेगा 4 फुट का, पोनी पोनी का दीपक का लगा लेंगे जिस चीज का मैं लगा सकते हैं। तो दोस्तों फोल्डिंग ये दीवान है, जैसे हम शिफ्टिंग वगैरह करते हैं जैसे जगह हमारे पास कम होती है कि सीढ़ियों से इतना बड़ा जा नहीं सकता बक्सा, कोई तीसरी मंजिल में रहता है दूसरी मंजिल, क्योंकि बाहर आजकल छज्जे लगे हैं विंडो के उधर तो बड़ी दिक्कत होती है सामान चढ़ाने में, तो इसलिए फोल्डिंग हमने ये बना रही है। और दोस्तों वीडियो आपने पूरी देखनी, बीच में स्किप नहीं करनी है, चलो आए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों हमने इनकी पाए की 4 पाए ये हमारे हैं, ये मैं भूल गया था वीडियो में बताना, ये हमने 4 सेट तैयार किए हैं जिनकी एक सेट में 4 पाए आते हैं, हमने इनकी ग्रेडिंग वगैरह कर लिया। ये दोस्तों हमने नीचे से क्या करना है 4.25 इंची छोड़ना है, 4.25 के बाद हमने जो था ये निशान लगाना है, ये 13 इंची 3 सूत का लगाना है, यहाँ से लेके 13 इंची 3 सूत पर कटिंग करेंगे, 15 इंची का हमारा वो बॉक्स बनेगा तो उसके ऊपर 15mm की प्लाई आएगी क्योंकि डाउन भी चाहिए गद्दे के लिए, तो इस तरीके से हम बनाएंगे। 4.25 इंची का ये निशान लगाया, उसके बाद हमने 13.25 इंची का निशान लगाया, ये हम इसकी कटिंग कर देंगे राइट एंगल में। उसके बाद दोस्तों ये हमने गज तैयार किए हैं जिनसे हमारे अंदर बटन लगेंगे, ये 1 इंची 3 सूत और 7 सूत में ये तैयार किए हैं, 4 फुट के हमने 4 पीस लिए हैं और 6 फुट के हमने 4 पीस लिए हैं जिनके अंदर हम माली जोड़ कटिंग करेंगे ऐसे बडांगा करके, वो भी दिखाऊंगे आपको, ठीक है। इसके अंदर हमने ये नट बोल्ट डालना है, ये नट डालेंगे 3 सूत का 4 इंची का, इसके लिए हम पहले होल कर देंगे, ऊपर से हमने 2.5 इंची छोड़ना है और इधर से नीचे से भी हमने 2.5 इंची छोड़ना है, ये आपको नजर आ रहा होगा 2.5 इंची, और इसके बाद हम क्या करेंगे राइट एंगल खींच देंगे, ये हमने राइट एंगल खींच दिया, इसमें हमने पाए में पहले ही होल कर लेंगे क्योंकि दिक्कत ना आए, क्योंकि जब साइड में लग जाएगा फिर दिक्कत आएगा, और इसका हम सेंटर कर देंगे। पाया हमारा ये 2.5 इंची का है तो हम इसको 2.25 इंची का 1 इंची 1 सूत पर इसका निशान लगाने को सेंटर में 12mm के उसके साथ इसमें होल कर देंगे हम पहले। दोस्तों हमने चारों पाए में होल कर लिए हैं, हमने ये देखिए 12mm के बिट के साथ हमने कर दिए, तो ऐसे आप लोगों को भी पहले कर लेना। और दोस्तों हम इसके अंदर क्या करेंगे अस्तर वाला पहले ही कर देंगे क्योंकि तो फिनिशिंग ज्यादा आती है, ठीक है। दोस्तों ये हमने अपना तैयार कर लिया बोर्ड 6x15 इंची का, ये हमारा तैयार हो गया, और इसके ऊपर हम बिनियर लगाएंगे मार्चर लगा रहे हैं सागवन की, ये देखिए बैक साइड में, क्योंकि बैक साइड में अगर टक्कर वगैरह खाली रह जाए तो अच्छा नहीं लगता है, तो फिनिशिंग के लिए ये मार्चर लगा रहे हैं, ये देखिए दोस्तों 1.5 सूत का है ये, बैक साइड में हम लोग इसको इसी को लगाते हैं क्योंकि फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, हम जो है चारों साइड में चारों में हम ऐसे ही करेंगे। दोस्तों अब हम इसके ऊपर पाए पक्के करने लगे हैं, जैसे आपको पता 6x4 का हम ये दीवान बना रहे हैं फोल्डिंग वाला, तो दोस्तों छोटी साइड में या तो हम जैसे दीवान ठोकते हैं हम छोटी साइड में ये वाले पाए पहले ठोक देते हैं, इस केस में क्या है हमने बड़ी वाली साइड में ठोकना है, ये 19mm का बोर्ड ले लेना है, साथ में हमने छोटी वाली साइड में 1/2 इंची की पट्टी लगानी है, 2.25 इंची वो इसलिए लगानी क्योंकि जो उनसे नट बोल्ट लगाएंगे कि इसके अंदर वो हमारे कसे जाए स्क्रू कसे जाए, तो इसका प्रोसीजर क्या है जितना मोटी हमने अप्लाई है जितना बोर्ड है ये हमने क्या करना है इधर से इतना छोड़ के और ये ऐसे हमने पाए इसमें लगा देने, और ये फट्टे का जोनसा हमारा साइज है जोनसा ये हमारा बोर्ड है ये 15 इंची ऐसे है और 6 फुट ऐसे लिया जो दीवान की लंबाई होती है और चौड़ाई हमने लिया थे जो उनकी गहराई है डीप एच की ये 15 इंची है और साथ में हमने बिनियर लगाया ये इधर
इसमें नीचे की तरफ सागवान का, तो हम इसमें चालू करेंगे क्योंकि सुराख हमने इसमें पहले डाल दिए थे। अब ये हमने कर लिया, ये हमने लगाया इसके साथ, जैसे ये हमने लगा दिया फेविकोल, ठीक है। और ये हमने पहले निशान लगाया, जितना हमने नीचे से पाया 4.25 इंच या 4 इंच छोड़ना है, तो इस तरीके से हम लगाएंगे। ये लगा दिया हमने, और जितना हमारी वो साइड है हमने मोटी करनी है उतना दूसरी तरफ भी कर लेंगे बैलेंस एक तरह करने के लिए। आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि सुराख वालों में कीले ना आए, ये ठोकने से पहले ये देखना सुराख में कहीं कीले ना आ जाए, फिर दिक्कत होगी हम लोगों को। दोस्तों इसको वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, मैं इसलिए थोड़ी सी वीडियो हो सकता है लंबी भी हो जाएगी, क्योंकि जिसमें ये काम का पूरा प्रोसीजर बताते हैं वो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है। इसी प्रकार हमने दो दो या तीन तीन कीले मार लेनी इसके अंदर। ये हमने देखो दोनों पैर इसके पक्के कर लिए लंबी वाली के, ये देखो मैंने इतना छोड़ा इधर से, क्योंकि 19 mm का हमारा बोर्ड है उसके ऊपर 12 mm की प्लाई और लगाएंगे, ठीक है। ये दूसरी इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी कर लेंगे, जैसे मैंने आपको बोला था वहां पर हमने पट्टी छोड़ी थी 1/2 इंच की लगा के बड़ी साइड में, यहाँ पर अपने जितना हमारा पाया मोटा है तो उस हिसाब की हमने पट्टी ठोक दी है। ये हमने प्लाई इसलिए ठोकी है क्योंकि जो सी हम इसके अंदर नट बोल्ट वगैरह लगाएंगे तो प्लाई में अच्छी तरीके से कस जाएगा। उसके बाद क्या करना, हमने ये नीचे बटन लगा देने वुडन के, और दोनों तरफ वुडन के ही बटन लगाने हैं। ये हमने जो सा अपना 1/4 इंची / 0.5 इंची के काटे हैं, तो इधर भी वैसे ही इधर भी वैसे ही। और जो सी हमने कीले लगानी है, मैं आपको कीलों का बता दूँ, कीले हमने चाल लगा के करनी है। चाल कैसे, किसे कैसे हम बोलते हैं चाल लगा के, ये कभी उखड़ती नहीं है। एक कील हमने इधर लगाई और एक कील हमने इधर लगानी है। ये वीडियो आपने पूरा देखना, बीच में स्किप करोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा, फिर बाद में आप कमेंट करते हो कि आपने कैसे बताया नहीं। इसके अंदर हम स्क्रू भी कसेंगे दो दो तीन तीन, ये देखिए, और ऐसे चाल लगा के हमने कसेंगे। ये हमने लगाई और इधर लगा दी, ये हम इसलिए ऐसे करते हैं, कभी बोर्ड समझ लो इधर खाली आ गया कम से कम इधर तो पकड़ हो जाएगी। कई बार मुझे कमेंट करते हैं क्या क्या आप राइट एंगल में दिखाते नहीं काटते थे हमें, तो दोस्तों ऐसे है कि वीडियो लंबी हो जाएगी। ये देखो राइट एंगल है, ये राइट एंगल में मैं काट देता हूँ क्योंकि ये कोई बड़ी बात नहीं, ये तो आप लोग भी कर सकते हो, तो छोटी छोटी चीजें इसलिए मैं बता नहीं पाता क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, वीडियो तो खैर ये भी लंबी हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने चार लगा के कील लगानी है, ये देखिए। ये वैसे तो आमतौर पर जो हम दुकान बनाते हैं तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं, ये अपने 12 mm की प्लाई के गज लगाते हैं, तो इसलिए ये हमने फोल्डिंग दीवान है क्योंकि इसके अंदर जो हमने टक देने लकड़ों के, लकड़ इसलिए मोटी चाहिए, ठीक है। ये जो दीवान में हमारा सबसे नीचे बटन लगना है जिसके ऊपर प्लाई आएगी, ये भी हमने इसकी मोटाई एक जैसी कर लेनी है और चौड़ाई भी एक जैसी कर लेनी है। इसके अंदर क्या करना है, हमने डब चूल जैसे होते हैं हमने उसका निशान लगा, हमने क्या करना दोस्तों, ये जितने हमारे ये स्पोटे बीच वाली ये उतना हमने इसको प्लाई को तैयार कर लेना है, जितना ये 1/4 इंची का तो हम इसको गज को 1/4 इंची तैयार कर लेंगे अपनी प्लाई को, ये फर्मा हमारा बन जाएगा। अगर फर्मा हल्का सा भी गलत हो गया तो समझे सारा काम गड़बड़। ये जितनी मोटाई है इस बटन की, हमने ये देखो मोटाई है उतना हमने इसको निशान लगा लिया है, ठीक है, ये हमने निशान लगा। उसके बाद क्या करना है, हमने इसको यहाँ से 6 mm के करीब लेना है, ये देखो ये हमने लिया 6 mm ना लो, 150 ले लो, ये 150 हमने लिया, और 150 एक जैसा ही करना हमने कि अगर यूनिवर्सल में हम घुमा के लगाने लगे तो भी हमें दिक्कत ना पड़े, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से ऐसे मिला देंगे, ये हम इसकी कटिंग कर देंगे ऐसे, और इसकी हम ऐसे कटिंग कर देंगे, ठीक है। दोनों पीस एक जैसे ही हैं, ये मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा, ज़्यादा हो गया, ये मुझे कम लग रहा, हम फिर इसको हल्का सा निशान आ गया, ये दोनों निशान एक जैसे ही होने चाहिए। अगर ये यहाँ से आपने 6 mm लिया है तो यहाँ से भी आपने 6 mm लेना है, तो ऐसे टेपर काट देनी और ये चीज़ कट जाएगी, और इसी के साथ
हमने चूल का भी फरमाइशी से करेंगे, जिसमें सुराख करना उसका भी इधर से कटिंग करेंगे। ये हमारा तैयार हो चुका है, ठीक है, दोनों तरफ से एक जैसा। अब हम इसको पहले देख लेंगे, दोनों तरफ हमारा यूनिवर्सल एक जैसा आ रहा है। हम पहले इसमें निशान लगा लेंगे, जैसे हम ऐसे निशान लगा लेंगे और इसको पलट के देख लेंगे, इधर से भी, इधर से भी ऐसे लगा लेंगे, इधर से भी, और ये मैंने ऐसे लगा लिया और इधर से भी ऐसे लगा लिया। अब क्या करेंगे, हम इसी पीस को ऐसे पलट के देखेंगे कि टेपर में हमारा फर्क तो नहीं है। ये हमारी एक जैसी है, देखो आपको नजर आ रहा होगा, ये इसको इधर मिला दी, इसको इधर, ये हमारी टेपर है दोनों, यहाँ से एक जैसी डिग्री है इसकी, ठीक है। इसको ज़्यादा भी नहीं लेना, वो गज के हिसाब से लेना, क्योंकि गज ही हमारा 1.5 इंची का ज़्यादा लेंगे तो और कमज़ोर हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इसमें स्टेप देंगे, वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये हमने, हम 7 स्पोर्ट डालेंगे इसके नीचे, तो हमने ये निशान लगाएंगे, देखो इसको ऐसे करके निशान लगाना जैसे हमारा फर्मा बना हुआ था। ये हमने इधर से बराबर कर लेना है, आगे से टक्कर बराबर कर लेंगे इस, बाकी ये वाला निशान हम राइट एंगल में उतार लेंगे नीचे, और उधर की तरफ भी ऐसे ही करेंगे। और सारी स्पोर्टें तैयार करके हम फिर इसके, या आपके पास मशीन है तो मशीन के साथ, या आरी के साथ आप कटिंग कर सकते हो। ये हो गया, और ये वाला निशान हम क्या करेंगे, ये से हमारा पूरा राइट एंगल में, हम या इसको पूरा खींच लेंगे, ना भी खींचो तो ये वाला निशान हमें खींचना पड़ेगा गुनिये में कटिंग करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम कटिंग करेंगे, ये सारे निशान कर लेंगे। अब मैं आपको कटिंग करके दिखाता हूँ कैसे होंगे ये। हमने क्या करना है, जिनसे हमारे लंबी साइड के बटन है जिनसे अंदर ठुकेंगे, उसके अंदर भी हमने जैसे वो कटिंग की थी, तो इसके जरिए हमने क्या करना है, सेंटर में पॉइंट का निशान बना के, तो ऐसे हमने इसमें निशान खींच लेने हैं। ये बैक साइड में है, ये हमारा, ये इसके हमने गुनिये राइट एंगल में निशान खींच लेंगे। उसके बाद इसकी हम कटिंग करेंगे, कटिंग कितनी करनी है, जितनी मोटी हमारी ये बटन आएगी, लकड़ आएगी, ये देखिए ये वाला पीस इसके अंदर अंदर जाएगा ऐसे करके, तो जितना मोटा है उस हिसाब से हम खींच बांध लेंगे, उस हिसाब से दोस्तों हम खींच बांध लेंगे। जैसे ये हमारा, हमने निशान लगा लिया, तो इसके हिसाब की खींच बांध लेंगे, हमारा बटन आके यहाँ स्टे कर जाएगा। ये देखो मैंने मार्किंग गेज बांध लिया, इधर हम दोनों तरफ निशान लगा लेंगे, इधर से भी लगाएंगे, जैसे ये मैंने लगाया तो इधर की तरफ से भी लगाएंगे। हम इसको कटिंग करके चोरसी की सहायता से इसके टुकड़े को बाद में निकाल देंगे, फिर इसके अंदर अपना फंसा के देखेंगे, बिल्कुल यूनिवर्सल आएगा, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से हमने सारे निशान लगा लिए और इधर भी लगा लिए। ये देखना, जब गज आप निशान लगाओ तो लेफ्ट राइट देख लेना दोनों तरफ, एक तरफ ये देखिए, इस तरीके से मैंने निशान लगाए। हम लोग इसको आरी की मदद से नीचे तक लेके जाएंगे, कटिंग करेंगे, ये देखिए इस करके हम यहाँ से अपनी चोरसी मार देंगे इधर से और इधर से, ठीक है, ये बड़े आराम से निकल जाए। मैंने कटिंग कर दी है, कटिंग कर लिया, मैं आपको इसके निकाल के दिखाता हूँ ये हमने किस तरीके से निकालना है। थोड़ा थोड़ा करके हमने निकालना है, इधर से बिल्कुल सही आ गया। इसके अंदर एक फंसा के देखते हैं हम, ये देखो ये इस तरीके से फंसेगी दोस्तों, ये देखो बड़ी अच्छी फिनिशिंग, और दोस्तों ऊपर से भी बिल्कुल बराबर आ गया, क्योंकि ये वाले पीस भी हमने, ये वाले पीस भी हमने मोटाई इनकी एक जैसी निकाली है, ये भी एक जैसी निकाली है, ये ऊपर से बिल्कुल ठीक आया। ये देखो इसको वैसे तो डब वाला जोड़ बोलते हैं, जैसे बोलते हैं डब लगाना, ये डब में ही आता है डब, ठीक है। इस तरीके से सारे हम ऐसे निकाल देंगे। इसमें हमने फेविकोल लगा लिया, तो अब हम इसको फिट करेंगे और नीचे से बिल्कुल बराबर रख के लगाएंगे, बिल्कुल बराबर। हमने पूरे पूरे अंदर के पीस काटे हैं ये, इसके 17 नंबर हम 1.5 इंची की लेंगे कील, बाहर की तरफ हम क्या करेंगे, इसको स्क्रू कर देंगे, एक सेंटर में एक स्क्रू कर देंगे इसको,
वैसे ना भी कहते तो भी कोई बात नहीं। इस तरीके से हम सारी इसमें पक्की कर देंगे। ये हमारा नीचे का कंप्लीट हो गया। अब हमने ऊपर का ये लगाना है, तो इसमें क्या हम 3 इंच की लकड़ इसमें अंदर लगाएंगे। तो इस जगह हम फेविकोल और कील वगैरह नहीं मारेंगे, क्योंकि हमें जैसे इसकी कटिंग हम इसकी बाद में करेंगे। और हमने क्या करना है, सीधी धार की पट्टी के साथ इसको निशान लगा लेना है ऐसे। सीधी धार की पट्टी के साथ निशान लगा लेंगे ऐसे करके, क्योंकि जो काम अड्डे पर हो जाता है उसके लिए बहुत ज़्यादा इसके लिए सहूलत रहती है कि एक एक पीस को करोगे ज़्यादा टाइमिंग लगेगी। तो ये मैंने पीस काट लिया, क्योंकि एक तरफ हमने इसमें ये अस्तर नहीं लगाया क्योंकि फेविकोल की पकड़ नहीं होती। ये हमने इसलिए लगाया है क्योंकि जिस टाइम कोई अपना पेंटर वगैरह मारेगा तो ये गंदा नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लगाएंगे, ये हम लोगों ने निशान लगा लिया। इस जगह हम लोगों ने फेविकोल नहीं लगाना और कील नहीं मारनी। ये हम पहले एक एक कील मारेंगे, सेट कर लेंगे इसको। ये मैं 1.5 इंच 14 नंबर की कील मार रहा हूँ, बैक साइड में हम इसके स्क्रू कर देंगे। तो ये साइड हम इसके साथ लगाएंगे। आपको मैंने प्लाई दिखाई थी, ये हमने इसलिए प्लाई इतनी लगाई है। ये हमारा पाया है, मैं आपको एक बार फिर दिखाता हूँ, कैमरा इधर से करना। ये हमने टक्कर देखो इतनी छोड़ी हुई है, और ये हम जब इसके मिलाएंगे बिल्कुल हमारा बिल्कुल बराबर आ जाएगा। ये देखिए बिल्कुल बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको बराबर कर लेंगे, इधर से बिल्कुल बराबर। ये हमारा बराबर आ गया, और हम इसके मदद से इसको निशान लगा लेंगे फेविकोल की। ये हमने एक नंबर इसका लगा लिया। कल को साइड अलग अलग करते हैं तो हमें पता लग जाएगा। और ये हमारा इसके साथ हम देखो ऐसे निशान लगाएंगे, और इधर की तरफ भी ऐसे निशान लगाएंगे फेविकोल के साथ। इसको फेविकोल एक बार थोड़ा सा और लगा लेंगे। ये हमारा निशान लग गया होगा, ये देखो लग गया निशान। हम क्या करेंगे, इसका सेंटर ले लेंगे यहाँ, जितना हमारा यहाँ। ये हम इसका सेंटर ले लिया, और हमने ये इधर से इसका सेंटर ले लिया, क्योंकि चौरस पत्ती लगाएंगे फिर हमें पता नहीं लगेगा इसका। और ये हमने इधर सेंटर ले लिया, और इसका इधर सेंटर ले लिया, क्योंकि पत्ती हमें गलानी पड़ेगी इसके अंदर। ये ले लिया, ये हमने 20 mm का बिट बांधा त्रिशूल वाला। ये देखिए 20 mm का, जितना नट है फिर उतना फिट डाउन चले जाएगा। ये हमें हल्का बैठ गए थे, और इसके साथ हम ऐसे गए। और जो से हमने ये वाले निशान लगाए थे, ये इसलिए लगाए थे कैसे करके हमें इसका पता लग जाएगा। और फिर हमने ये पत्ती गलानी है, ऐसे करके प्रॉपर तरीके से हम इसका निशान लगा लेंगे। और पत्ती हम इधर की तरफ भी निशान लगा लेंगे, हमें पता लग जाएगा पत्ती ये इधर की है, क्योंकि दो पत्ती करनी थी। ये हमने एक सूत गहरा ले जाना, क्योंकि पत्ती भी है और इसके ऊपर से इसके पेच भी लगेंगे। आपके पास अगर रूटर है, मिनी रूटर से भी कर सकते हो। मेरे पास है वो हैवी वाला, मैं हाथ से ही करूंगा इसको, क्योंकि जितने में रूटर में करेंगे उतने ज्यादा हो जाएगा। और इस चीज का ध्यान रखना, ये कीले मैंने देखो साइड साइड में लगाई थी, ये इसलिए छोड़ दिया था कि हमें दिक्कत ना हो।
ठीक है। अब हम इसको कटिंग करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये कभी भी फिटिंग वेल्डिंग वाली मत लेना, क्योंकि हमें पत्ती वेल्डिंग होती है वो टेढ़े होते हैं, फिर बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि उनकी डिग्री बिल्कुल सीधी नहीं होती। तो इस तरीके से हमने ये कर लिया है, ये देखिए हमने जिनसे निशान लगाए थे मिला लिए, और ये हम इसको नीचे करेंगे और इसके अंदर हम एक इंची का फुल चूड़ी वाला लगाएंगे, और वो भी हल्का सा फेविकोल हमने लगा लेना। ये देखिए हमने हल्का सा फेविकोल लगा लिया, तो इसके जरिए हम इसको कसेंगे। ये आपने पत्ती इतनी गला लेनी है कि एकदम पाए के साथ चिपक जाए आपकी साइड। दोस्तों ये तरीका हमारा, देखो हम गुनिया से देख लेते हैं, अभी लग तो नहीं रहे पेच वगैरह, नहीं लग रही है। तो इसी तरीके से हम सारे फिट करेंगे, और ये हमेशा हल्की सी इसमें प्ले रहनी चाहिए। दोस्तों हम जो सेफ डेकर की और सफारी की लगा रहे हैं शीट, ये 1 mm की शीट है, इसके चारों तरफ लगेगी। दोस्तों हमने ये टेप लगा के रख दिया था, अब हम इनको खोलेंगे। दोस्तों ये हमारी साइड पूरी कंप्लीट हो चुकी है, रंधा वगैरह मार दिया, टेप उतार दिए, अब हम इसके ऊपर हाफ राउंड गोला लगा रहे हैं। ये देखिए इसी तरीके से हम जो उनकी और साइडें हैं, चारों साइडें, उन पर भी लगा लेंगे। फेविकोल इसमें आपने जरूर इस्तेमाल करना है, और ये कीले बाद में हम इसको डाउन कर देंगे। दोस्तों ये हम आपको इसकी फिटिंग करके दिखा रहे हैं, ये फोल्डिंग दीवार की, ये देखिए ये हमने साइडें फिट कर दी हैं इधर से, और हम इसके अंदर वाशर डाल देंगे, इधर से भी हमने वाशर डाल देनी है, और इधर से भी हमने वाशर डाल देनी है। चारों तरफ हम इसी तरीके से पहले इसको फिट कर लेंगे, दिखा रहे। ये हम आपको ये वाली साइड फिट करके दिखा रहे हैं। ये निशान लगाते थे, हमने इसके निशान लगा लिए थे, और ये हमने इसमें अंदर डाला, ये अंदर डाला, चलो डालो देखो। और दोस्तों बड़ा इजी तरीके से फिट हो जाता है कोई इसमें, ये देखिए ये कसने के बाद आपको फोल्डिंग नजर नहीं आएगा, इसके नट बोल्ट रखो। दोस्तों इसके बाद हम सपोर्टेड डाल रहे हैं, ये देखिए ये हमने इस तरीके से डाली है, और बड़े इजी तरीके से आ जाएंगे, डाल दी, ये देखिए ये हमने सारे सपोर्टे डाल दिए। एक सपोर्ट में आपको निकाल के दिखाता हूँ, ये देखो ये वाली पेशक इधर को घुमा के लगा दो, दोनों एक जैसी हैं, ये वाली इधर फिट कर दो। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल जॉनसन, जिधर मर्जी लगे, इसके ऊपर कोई नंबरिंग वगैरह नहीं, हम डालेंगे जोन सी सपोर्ट जिधर मर्जी डाल दे। इसके बाद हम लोग इसकी प्लाई करेंगे, हम दो पीस में प्लाई करेंगे, सेंटर में दो पीस करेंगे, एक पीस इधर की तरफ करेंगे और एक पीस इधर की तरफ होंगे, और हमने इसके ऊपर 9 mm की प्लाई डालनी है, ऊपर हमने 15 mm की प्लाई डालनी है। अब हम जो दूसरी प्लाई डालेंगे इधर, ये हमारी प्लाई आ गई है। और मैं दोस्तों एक चीज आपको बोल देता हूँ, मैं बार बार दोस्त कहता हूँ इस चीज का, कई भाइयों ने बुरा भी माना, भी आप दोस्त से ज्यादा बोलते हो। ये देखो हमने जैसे 1 लगा लिया,
इस साइड का वन लगा दिया, ये एरो का निशान, कल को कोई दिक्कत नहीं होगी कस्टमर को, ये वन के साथ वन मिल जाएगा, टू के साथ टू, थ्री के साथ थ्री, फोर के साथ फोर, और ऐसे ही हमने प्लाइयों में किया है। ये देखिए प्लाइयों में हमने बी लिख दिया इधर, उधर ए लिख दिया, हम सेंटर में क्या करेंगे, इधर हम 9 mm की प्लाई की स्टेपल करेंगे इधर, और स्क्रू के साथ इसको कर देंगे, क्या कर देंगे, ठीक है, हम इसको पक्का कर देंगे, दो दो स्क्रू इसके अंदर लगा देंगे हम लोग, इसके बाद ऊपर के ढक्कन डालेंगे, हम दिखाएंगे आपको। हम इसमें 3 स्क्रू कर देंगे, इसको दोस्तों मैं एक चीज आपको और बताना चाहता हूँ, बड़ा मेन चीज है कि कभी भी या हम प्लाई वगैरह अंदर की फिट करें या हम बाहर की प्लाई फिट करें, हमें पहले क्या करना है, इसका दीवान का बटन निकाल लेना, जिसको हम तिरफिट बोलते हैं, कि जमीन का लेवल अगर टेढ़ा मेढ़ा हो तो पाए के नीचे पैकिंग देखे, देखो ये मैं आपको दिखाता हूँ, मैं जरा वीडियो ध्यान से देखना, ये देखो इसमें बिल्कुल भी बट नहीं, बिल्कुल 0-0, ये देखिए ये आपको नजर आ रहा है, बिल्कुल बट नहीं है। अब हमें जब भी प्लाई का ढक्कन डालना है, दीवान का ढक्कन डालना, सॉरी मैंने प्लाई का बोल दिया, कभी भी दीवान का ढक्कन डालना तो बिल्कुल लेवल 0-0 कर लेना, ठीक है आपने। अब मैं दूसरी तरफ इसका लेवल बिगाड़ के दिखाता हूँ, इसको इसके नीचे देना, प्लाई देना जरा, ये देखिए अब इसके, अब इसमें बट पड़ गया, ये देखिए, अब वो देखो इसमें 200 की मैंने प्लाई दी है, बट ये कभी भी हमेशा बट नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का आपने ध्यान रख लेना, प्लाई निकालना जरा नीचे से दोस्तों, इस चीज का, इस फार्मूले का बहुत आपने ध्यान रखना है कि कभी भी जिंदगी में फेल नहीं हो। कोई आदमी ये नहीं कहेगा कि प्लाई में इसका ढक्कन देखो, दूसरी तरफ हम ढक्कन इसका खोल रहे हैं तो परली तरफ लग रहा है, तो इसमें एक तो कुंज नहीं प्लाई की इसमें निकलनी चाहिए, कुंज इसकी प्लाई की, और ऊपर से ढक्कन बिल्कुल 0-0 होना चाहिए, ये जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ लेवल बिल्कुल 0-0 होना चाहिए। ये जोन ज्वाइंट से ऐसे है, ये कभी इधर को खुलेगा नहीं, ये दीवार हमारा कभी भागेगा नहीं, ठीक है, और इसके बाद हमने अपनी प्लाई फिट करनी है। ये हमारी 15 mm के ढक्कन है, हैवी ढक्कन है, और इसके ऊपर स्टील के हमने गियर लगाया है। इसके ऊपर जो हम कब्जा लगाएंगे वो दीपक का लगाएंगे, पोनी बाई पोनी का, मैं आपको कब्जा दिखाता हूं। ये कई कारपेंटर भाई लगाते होंगे, उनको भी पता होगा इसकी क्वालिटी बड़ी बेस्ट है। इसको छड़ वाला हम लोग कब्जा बोलते हैं, इसके ऊपर लिखा भी होगा दीपक, ये देखिए मैं दिखाता हूँ। इसमें दोस्तों मेन जो सी खास बात ये है, ये देखो दीपक, इसके अंदर चाल होती है, चाल का क्या मतलब, एक पेच इधर एक इधर एक इधर एक इधर इधर, ये इसमें ये बहुत जरूरी होता है क्योंकि इसमें पकड़ रहती है, तो इसको हम काट के फिट करके लगाएंगे, फिर आपको दिखाते हैं आगे। दोस्तों इसका ढक्कन हमने लगा दिया, कंप्लीट हो चुका है, मैं एक बार आपको खोल के दिखाता हूँ। ये भी लूज में, ये भी इकट्ठा होकर निकल जाएगा साइड में, हमने 2 पीस में किया है, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ एक बार, इसको इसको उठा के हम निकाल सकते हैं बैटरी को, ये दोनों ऐसे उठाए हम लोगों ने, ये देखिए ऐसे हमने बाहर निकाल लिया, हर एक चीज इसकी फोल्डिंग है, फिर हम इसको अंदर इसको भाई भारी बोल, ये हमारा पूरा दोस्तों, ये हमारा पूरा बेड कंप्लीट हो चुका है, मैंने पूरी वीडियो में बता दिया आपको किस किस तरीके कैसे कैसे प्रोसीजर से हम लोगों ने तैयार किया है, और नेक्स्ट जो सी वीडियो आएगी 2-3 दिन बाद इसकी डाल देंगे,
पूरा कंप्लीट होगा या पॉलिश वगैरह होगा और असेंबल करेंगे कस्टमर के घर, वो भी आपको वीडियो आ जाएगी। वो जहाँ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करते हो उसमें नीचे लिंक में दे दूंगा, तो उस जगह आप देख सकते हो। दोस्तों ये आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन का बटन दबाने के बाद उनका बटन आपने जरूर दबा देना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। और जितने भी मेरे कारपेंटर भाई हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि कारपेंटर भाइयों के मतलब की वीडियो है, जो नए बच्चे आते हैं फील्ड में सीखने के लिए।